स्कूल जाने का समय हो चुका है। ए मंत्री जी, सुनो मंत्री। हाँ, तुम ऐसा करो, नर्मदा को जगा करके स्कूल जाने के लिए तैयार करना है, उसे जल्दी बुला के ले आओ। तुरंत महारानी। हाँ स्वामी जी। अपना राज दुलारी 24 घंटा महल में आराम कर चुकी है। क्यों नहीं स्वामी जी, अब स्कूल जाने का समय हो चुका है। हाँ, इसे तैयार करो और मंत्री के साथ स्कूल भेजने का इसको प्रबंध करो। ठीक है स्वामी जी। बेटी बेटी, सर बेटी, तुम मंत्री भैया के साथ पढ़ने के लिए स्कूल चले जाओ बेटी। नहीं माँ। क्या बेटी? मैं एक बार कह दी ना। हाँ बेटी, मैं पढ़ने के लिए नहीं जाऊंगी। जाऊंगी लेकिन एक ही शर्त पे जाऊंगी माँ। क्या शर्त है बेटी? शर्त यही है माँ, मुझे तुम्हारी पतिव्रता की रास्ती बता दो, मैं पढ़ने के लिए चले जाऊंगी। नहीं बेटी, ये कुमारी पतिव्रता की रट तुम क्यों लगाती हो बेटी? हाँ माँ। नहीं बेटी, ये बातें कुछ छोड़ दो बेटी। नहीं, मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी माँ। नहीं बेटी, तुम अच्छी बेटी हो। कोई अच्छी बेटी नहीं बेटी। तुम चले जाओ मंत्री भैया के साथ पढ़ने के लिए स्कूल। हे मानी जावागे महारानी।
स्वामी जी ये जाने के लिए तैयार नहीं हो रही है? मैं समझा रही हूँ स्वामी जी। क्या समझा रही हो? मैं देख रहा हूँ क्या समझा रही हो, क्या वो जवाब दे रही है? क्या जवाब दे रही? क्या मैं बहरा हूँ? अभी नादान है बेटी, नादान है, बूझने वाले नहीं है। समझ जाएंगे, बूझ जाएंगे। कब समझेगी? कब समझेगी? आप उंगली दिखाएंगे तो ऐसे बच्चे थोड़ी ना समझते हैं। तो नहीं तो आरती उतार के चले दो। ये देर देर से समझते रहते, एक इतना घुरघुरा कर दिया तो के किया ना तू? माँ बाप के बात माने छे, ने मंत्र भैया के बात माने छे, तो रे घुरघुरा काटना छ तोरा माछी कर दिया तो की बीख ले के लिए तेरा की क्या बात माने छे? तुमरू खैर हवी की ए मंत्री हमें रहबे। हमें तो लग रहा है किसी का नर्मदा बेटी के ऊपर नजर लग चुका है। एक बात बताओ, हाँ, जब तुमने स्कूल लेकर जा रहा था, हाँ, उस समय किसी का आगन होकर नहीं गया था ना? आगनों तो गद के लिए है, ठीक है, एगो बुढ़िया है बैठा है, बुढ़िया के जो नो बाप कहाँ जा छो? कलिए नर्मदा बहन के जा छियो हॉस्टल पढ़वे ला, नाम लिखवे ला, लगे छो बुढ़िया सनिया आती नहीं रहे। आप सनिया है फेंक दिल के। एक बात बताओ, हाँ, जब तुमने ये बात तुमने बताया क्यों नहीं? इसको लग रहा है टोक लग गया है। टोक लग गया तो की है ते? दो मुट्ठी पर्चा एक नाक पर जोड़ दे, सब हम सब कट जेते। कुछ नहीं तो ऐसा करो, हाँ, यहाँ पे पूछ लीजिए किसी बाबा से, कोई भगत बाबा है तो उसे बुला के लाओ। भगत बाबा, हाँ, और हमारे राज दुलारी को अगर माता कान झार देगी, हाँ, वो सही हो जाएगी, स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाएगा। आज हम तुरंत पूछ लेंगे, पता लगा लेंगे गांव में भगत बाबा छे कि नहीं छे। हे भगत बाबा छे, यहाँ हो छे भगत बाबा? हम तुरंत बुला के लेंगे भगत बाबा का, जल्दी जाओ। देख रहे हो ना, इसका हमेशा जब से स्कूल से आई है इसका नजर चढ़ा हुआ है। स्वामी जी आप ऐसे उंगली दिखाएंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो तुम आरती उतारो, ठीक है? हाँ, मेरी बेटी है, प्यार से समझाएंगे तो मानेगी। प्यार से समझा करके जल्दी भेजो स्कूल, ये घर से समझा रही हो, समझ गई है? समझेंगे, देखेंगे। हाँ माँ, माँ और पिता की वचन में टालना। मैं आज किसी की वचन नहीं रखूंगी। सुन रही हो ना? सुन रही हो? तीर के जैसे जवान चल रही है, सुन रही हो ना? हाँ स्वामी जी, मैं सुन रही हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ इसे नजर लग चुका है, इसको नजर लग गया है, उसका आंखें चढ़ा हुआ है, देखो। और एक भी बात अपने माता पिता से मानने के लिए तैयार नहीं है, एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। हाँ, मैं नहीं सुनूंगी, नहीं सुनेगी, नहीं सुनूंगी। ए भगत बुआ, लून गलिया ना? भगत बुआ कल के हम दी जाए छे समझिया रे, तोरा भसम उठा के दे दी छे, भसम लगा दियो, टोक टोक नजर गुजर के हद ने सब जा कट जेते। पकड़ा पकड़ा रानी मां, पकड़ा तो कस के। और कुछ बोला था? तो ठीक है, जल्दी पढ़ो, इसे भसम दो। कैसे पकड़ना है रानी माँ? कैसे पकड़ना है रानी माँ? मंदिर वातने वो कहल कर है, कल का मंदिर पढ़ना, ये भसम लगा देना। ऐसे तो फुलगत को मला सासों फले बुला होके जब फुलगत चल चल जाती है मुझे। ए मंत्री, इधर हमरा धापट मारे थे, इधर कैसे झापट मारे थे? ए मंत्री, सही से मंत्र पढ़ो, मैं पकड़ रहा हूँ, चलो पढ़ो। अभी तो फूल गंदे मला सर सब फले फूल होके जब फूल गया चल चल जाती है मुझे। इलेक्ट्रिक जैसे कर सनिया चल। ए मंत्री जी, हाँ, तुम तो भस्म दे दिए हो, पूछो नर्मदा को सर माथा हल्का हुआ कि नहीं हुआ, पूछो। नर्मदा बहन क्या है के? माथा हल्का लगे छो? हम तो ठीक है भैया,
भारियो लगे छो? कुछ नहीं। तो ना क्या करे छे? तेल पढ़े कहाँ जाऊंगा? स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों जी? चल 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 पढ़। तो मैं तो हल्ले छो तो ना क्या करे छे? चल दांत काटे खिसिया के ध्यान ललके मंत्री चार बताओ जवाब दी है बोलो। वो जाने के लिए तैयार हो गई है? नहीं जे तैयार नहीं होगी। नहीं हो खिसिया के काट लेके। नर्मदा सुनो बेटी, देखो बेटी, अब तुम्हारे सर हल्का हो चुका है पुत्री। नहीं हुआ? मैं ठीक हूँ पिताजी, कहने के लिए क्या चाहती हो? मैं यही कहना चाहता हूँ, जब तुम सही हो तो मंत्री भैया के साथ तुम तैयार होकर स्कूल चली जाओ। मैं सही हूँ, मैं पढ़ने के लिए नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी पिताजी। नर्मदा ये विकार में हंठ बिल्कुल छोड़ दो, और तुझे पढ़ना है और लिखना है और अपने माता पिता के नाम को रोशन करना है। मुझे कुछ नहीं करना है। बेटी तुम्हारे पिताजी ने तो सही कह रहा, बेटी तुम स्कूल चली जाओ। बेटी मैं नहीं जाऊंगी माँ, एक ही बार को क्यों बात की दोहरा रही हो माँ? बेटी अगर मुझे पढ़ाने के लिए चाहती हो ना, हाँ बेटी, तो मुझे कुमारी पतिव्रता की रास्ती बता दो, मैं पढ़ने के लिए चली जाऊंगी माँ। बेटी महारानी, हाँ स्वामी जी, कहा गया है अब पानी नाक से ऊपर बहने लगा है। अरे बेकूप, अब पानी नाक से ऊपर बहने लगा है। कहा गया है जो सीधा उंगली घी नहीं निकलता है तो उसको क्या करना चाहिए? वो टेढ़ा, तो वही अब टेढ़ा करना पड़ेगा। ओ अहमद के लिए नाक से अपन हर हर डाल के लिए दाबू क्या चिल्ला है ये लेबे। अरे बेकूप, तुम महारानी को महल ले जाओ। हाँ। और मैं तुम्हारे साथ स्कूल जाना नहीं चाहती है नर्मदा। हाँ। मैं उसे बुझा समझा करके अपने सवारी गाड़ी में बैठा करके मैं अपना खुद स्कूल को छोड़ करके आऊंगा। बहुत गाड़ी है ये लग लिए थे। तो तुम जाओ महारानी को बोलो जाने के लिए। रानी माँ चलो, रजा साहब अपने जीते दे ले, इस छड़ी को छोड़ दो, जाते हो अपन पर। अरे क्या बोला? अरे तुम्हें बोलने नहीं आता है क्या? कह रहा छोरी को छोड़ दो? तो बेदरा छे तो की? अरे उसका नाम नहीं है। हाँ हाँ, इतना मार मारूंगा जवान खींच करके तुम्हारे जेब में डाल दूंगा। जेब में डाल दूंगा तो हम धन्ना रहबे, खाना जेब में लो तो खेल जेब। जाओ महारानी को अंदर ले जाओ। चिल्ला रानी माँ, तेला खाना भगल है तो वहां। स्वामी जी, महारानी मंत्री के साथ ये स्कूल जाना नहीं चाहती है। कोई बात नहीं है, मैं इसे अपना खुद सवारी गाड़ी में बैठा करके इसे स्कूल को छोड़ करके आऊंगा। ओ खगड़िया कोसी कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहती है तो मैं जाकर खगड़िया महादेव सहरसा में कॉलेज में नाम लिखाऊंगा। नहीं होगा तो बेवकूफ सवारी भेज देंगे, बेवकूफ सवारी। आओ, वो दूर रहेगा इसलिए। ठीक है स्वामी जी। महारानी तुम अंदर जाओ और मैं जा रहा हूँ अपने लाडली को बुझा समझा करके मैं फुसला करके लेकर के जाऊंगा स्कूल को छोड़ाऊंगा। अच्छी तरह से ले जाना स्वामी जी।
बेटी के मन डोलर गई पिता के जी के चलियो नर्मदा, मैं तुझे प्यार से मैं समझा रहा हूं, एक घंटे से तुमने नहीं समझी हो ना, एक बात कान खोल करके सुन लो, तुम्हें स्कूल जाना है और वो भी अभी, और अपना तैयार हो जल्दी मेरे साथ चलो। तुम मंत्री के साथ नहीं जाना चाहती हो, कोई बात नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, और तुम खगड़िया में नहीं पढ़ना चाहते हो, चलो मैं सहरसा में नाम लिखाऊंगा। मैं कोई स्कूल पढ़ाई नहीं करूंगी पिताजी, नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी पिताजी। तुम जाएगी? नहीं जाऊंगी। अभी जाएगी? कभी नहीं जाऊंगी। मेरे लड़ाई का जर ये किताब है, कान खोल करके सुन लो, ये किताब मेरे जल्दी हवाले करो। नहीं, मैं ये किताब, मैं कह रहा हूं ये किताब दो, मैं कभी नहीं दूंगी ये किताब। तुम अब तक मेरा प्यार देखी हो, गुस्सा नहीं, आज कान खोल करके सुन लो, तुझे स्कूल जाना है तो जाना है, ये किताब मुझे पढ़ दो जल्दी। नहीं, आज मैं कुछ भी कर देखूंगी लेकिन मैं किताब नहीं दूंगी पिताजी। मैं कह रहा हूं देती हो या नहीं देती हो? नहीं दूंगी। तुम मुझे किताब फौरन दो। नहीं दूंगी पिताजी। किताब नहीं देगी? चलो ये किताब पकड़ो। उस किताब में ना तुम्हें लिखा हुआ था, ये किताब पकड़ो और आ जाइए। मैंने कहा ना बंद करने के लिए, अगर ढिबिर ढिबिर करते हो तो ये नाल, तुम्हें भी कह रहा हूं, जब तक मैंने कहूंगा बजाने के लिए तब तक नहीं बजाओगे। ए नर्मदा, मैंने कहा कोई नर्मदा नहीं, कोई नर्मदा नहीं। हाँ, तुझे मैं जो कह रहा हूं वो सुनो। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अरे तुम सुनेगी कैसे? नहीं, नहीं सुनूंगी। चलो मेरे साथ स्कूल चल। नहीं जाऊं। तुझे मैं कह रहा हूं चुपचाप चलो मेरे। नहीं जाऊंगी। We'll be right back.
जाती हो स्कूल या नहीं जाती हो? मैं नहीं जाऊं। स्वामी जी क्यों ऐसे करते? स्वामी जी मेरी बेटी को आपने पिटाई करते हैं। आपने बोले कि मैं बेटी को स्कूल पढ़ने के लिए भेजेंगे, ये क्या करते हैं? क्या नहीं करता हूं, ये देखो तुम्हारे राज दुलारी ने क्या किया है। सुनिए, ये अभी नादान है बच्ची, नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं है। बकवास बंद करो। सुनिए, आप ऐसे उंगली नहीं दिखाइए, मेरी बेटी नहीं पढ़ेंगे। हेलो, माल में रहेंगे, छोड़ दीजिए, नहीं पढ़ाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? हेलो, अकीदा फरिया दल के देखा दिल मारे छे, ये के गो दर दुनिया में बेटी छे देखा दिल मारे छे। सालो, क्या तुम सोच रहे हो हमारे राज दुलारी अनपढ़ और गमार रहेगा? मुरुखे रहते तो की है। ए नहीं मारिए, तुम महारानी को लेकर जल्दी महल जाओ, नहीं तो इतना धुलाई करूंगा तो तुझे कोई बचाने लिए नहीं आएगा। जल्दी ले जाओ। स्वामी जी आप अब से आप पिटाई नहीं कीजिएगा, ठीक है? महारानी तुम अंदर जाओ, मैं इसे समझा बुझा के स्कूल ले जाऊंगा। बच्चे को अच्छी तरह से समझाएंगे तो वो मानेंगे, अगर पिटाई करेंगे तो वो बच्चे और किसी का बात नहीं मानेंगे। पावर कचरी की बात कर रहे हो? हाँ। तुम जाओ 2 किलो रसगुल्ला लाके दो, लेकर स्कूल को छोड़। नहीं खाए छे, उझलगर खाए छे, मरचा पियो दे। महारानी ठीक है, मैं
अपने लाडली को नहीं मारूंगा, तुम जाओ महल जाओ, मैं इसे प्यार से स्कूल समझा के ले जा रहा हूँ। स्वामी जी अगर नहीं पढ़ेंगे तो बेटी क्या हो जाएंगे, अच्छी तरह से महल में तो रहेंगे, मेरी नजर के सामने तो ज्यादा मत चढ़ाओ, मैं कह रहा हूँ तुम महल जाओ। हाँ मेरी बेटी नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, छोड़ दीजिए नहीं पढ़ेंगे। हेलो मैं कह रहा हूँ महल जाने के लिए, ऐसे ऐसे नहीं कीजिए। आप लोग चरवानियों माँ कमार खाबला मन भाग ले है, आप लोग अच्छे लड़ाई बजा कह रहा हूँ महल जाने के लिए, मैं कह रहा हूँ ए मंत्री महारानी को जल्दी महल ले जाओ, चला रानी माँ मैं प्यार से लेकर जाऊंगा समझा करके जाऊँ। स्कूल जाती है या नहीं जाती? नहीं जाऊंगी पिताजी। तुम नहीं जाओगी? नहीं जाऊंगी।